छत्तीसगढ़ के रायपुर से लापता ट्रेजरी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव का शव बुधवार रात सीताबड़ी इलाके की पूजा लॉन्च में मिला। उल्लेखनीय है कि राजेश श्रीवास्तव 1 मार्च से लापता थे। वह मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजेश श्रीवास्तव ने मंगलवार की सुबह 10 बजे पूजा लॉन्च में कमरा बुक कराया था। इसके बाद वह बुधवार की सुबह 9:30 बजे कमरे से बाहर निकले और घूमने चले गए। सुबह 10 बजे वापस लॉज में लौटे और अपने कमरे में चले गए। इसके बाद से ही उनके कमरे का दरवाजा बंद पड़ा था। शाम 7 बजे के दौरान लॉज कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। इस समय कमरे में श्रीवास्तव की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। सीताबड़ी पुलिस का कहना है कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीचंद्र रेड्डी ने अधिक जानकारी साझा की। काल संध्याकाळी पूजा लॉज जे आहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बर्डी मध्ये एक फोन आल्यानंतर पुलिस यांचे अधिकारी त्या ठिकाणी गेलेत आणि त्यांना अशी माहिती मिळाली की एक पुरुष जातीचा व्यक्ती तिथे आतमध्ये आहे। पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दार तोडून प्रवेश केला, पाहिलं की एक व्यक्ती मृत अवस्थेत तिथे सापडला होता। त्याचं सगळं शहानिशा केल्यानंतर त्यांनी जे आधार कार्ड आणि नंबर त्याचा उपलब्ध होता व त्याचा मोबाईल होता त्याच्या आधारे कॉन्टॅक्ट केला आणि त्याचं नाव माहिती मिळाली की तो राजेश कुमार श्रीवास्तव राहणार रायपूर छत्तीसगड येथील आहे व ते जॉईंट डायरेक्टर ट्रेझरी अशा पदावर तिथे नेमणूक आहे एवढी माहिती मिळाली। ती सदर माहिती मिळाल्यानंतर यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधून त्या ठिकाणी त्यांच्याकडून पूर्ण माहिती घेण्यात आली व त्यांना जो आहे जे शव विच्छेदन करण्याकरिता इन्क्वेस्ट करून ते मेयो हॉस्पिटल येथे पाठवण्यात आलेली आहे आणि घटनास्थळी जे काही आपल्याला केमिकलचे पावडर मिळाले, पावडरचे पॅकेट मिळालेले आहे ते सुद्धा जप्त करण्यात आलेले आहे आणि त्याच्यावरून आता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ज्यावेळी आपल्याकडे फायनल रिपोर्ट येईल त्याच्या आधारे आम्ही पुढचा तपास करू। याच्यामध्ये नेमका कुठल्या प्रकारचं काही औषध घेतलेलं आहे का किंवा आणखी काही मृत्यूचं काही कारण आहे। बता दे की कमरे में मोबाइल और उनका आधार कार्ड मिला। मोबाइल और आधार कार्ड से ही उनकी पहचान हो सकी। साथ ही सूत्रों से जानकारी मिली कि पुलिस को घटना की जगह में कुछ दवा की गोलियां भी मिली जिसकी जांच की जा रही है। 2 तारीख को सुबह 10 बजे आए थे वो, उन्होंने कमरा चाहिए बोला था मेरे को। मैंने फिर उसको उनको पूछा कि कौन से काम के लिए, वो मेरे को मार्केटिंग के लिए आए ऐसे बोले उन्होंने। उनका आधार कार्ड लेके मैं उनका डिटेल लिख दिया और फिर उनको कमरा दे दिया। तो उसके बाद में वो दिन भर में आए नहीं थे, फिर रात में दोपहर में खाना खाने गए उनको और फिर रात सुबह वो जगह भी 8 बजे जब लाइट चली गई थी तब वो नीचे आए। मेरे को बोले किराया देना है बोले आज का, तो ले लो बोले। तो मेरे पास चेन नहीं थे तो मैंने उनको बोला सर बोला चेन नहीं मेरे पास, आप चेन ला के दो बोला। तो वो बाहर चले गए और उसके बाद में वो राजेश कुमार श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हैं? वो बिलासपुर के थे। यहाँ पे आने का मेन मुद्दे मार्केटिंग बोला था। उनके पास क्या क्या सामान था? सामान में उनके पास एक टिफिन था, एक वाटर बैग थी पानी पीने वाली और कुछ मेडिसिन निकली होगी। यह घटना एक सुसाइड है या एक हत्या, इस विषय में तफ्तीश जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के कारण उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपुर।